नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में 6 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल की गई है, जिसमें अमित सिंह नेगी को सचिव चिकित्सा शिक्षा के पदभार से हटा दिया गया है। वहीं राधिका झा को सचिव विद्यालय शिक्षा औद्योगिक विकास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के पदभार से हटा दिया गया है। वहीं बीवी आरसी पुरुषोत्तम को सचिव विद्यालय शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। तो उत्तराखंड में 6 आईएएस अधिकारियों के विभागों में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। बता दें आपको, 6 आईएएस अधिकारियों के विभागों में ये बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें अमित सिंह नेगी को सचिव चिकित्सा शिक्षा के पदभार से हटा दिया गया है। साथ ही राधिका झा को सचिव विद्यालय शिक्षा औद्योगिक विकास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के पदभार से हटा दिया गया है। साथ ही बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव विद्यालय शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से 6 आईएएस अधिकारियों के विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, 6 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया और एक ये रूटीन प्रक्रिया है विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए। इस तरीके की प्रक्रिया सरकार की ओर से और मुख्य सचिव की ओर से लगातार की जाती है। अगर कुल मिला के कहा जाए तो ये रूटीन प्रक्रिया, लेकिन जिस तरीके से आज आईएएस अमित सिंह नेगी को सचिव चिकित्सा शिक्षा के पद से हटा दिया गया और वहीं अगर बात की जाए राधिका झा को भी सचिव विद्यालय शिक्षा औद्योगिक विकास लघु और माध्यमिक उद्योग के जो पद हैं उनसे हटा दिया गया। वहीं अगर बात की जाए वीवीआर पुरुषोत्तम को विद्यालय शिक्षा का अतिरिक्त प्रतिभा दिया गया, यानी कि पहले से उनके पास कई अन्य विभाग थे और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं अगर बात की जाए दिलीप जावरकल को सूचना जो सचिव थे वो उस पद से हटा दिया गया और डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को इसका प्रतिभार दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं इनके विभागों में फेरबदल इसलिए भी किया जाता है कि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके, बेहतर काम किए जा सके और क्योंकि सरकार के पास समय कम है तो इन कम समय में अधिकारी अपना बेहतर प्रदर्शन दे, इसलिए इस तरीके के फेरबदल विभागों में किए जाते हैं। सुभाष, यानी कि चुनाव से जोड़कर इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, चुनाव से जोड़ के नहीं, ये एक रूटीन प्रक्रिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया और लगातार इस तरीके की प्रक्रिया सरकार की ओर से की जाती है। लगातार कई आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारियों के जो विभाग हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं क्योंकि समय समय पर अच्छा प्रदर्शन कोई अलग अधिकारी कर पाए जिसकी अच्छी रुचि हो, जो विभाग को समझता हो, ऐसे अधिकारियों को आगे किया जाता है और यही कारण है कि लगातार फेरबदल क्योंकि समय को देखते हुए भी किया जाता है और यही वजह है कि इस बार ये फेरबदल किया गया है। जी, चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में 6 आईपीएस विभागों में ये बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें अमित सिंह नेगी को सचिव चिकित्सा शिक्षा के पदभार से हटा दिया गया है। साथ ही राधिका झा को सचिव विद्यालय शिक्षा औद्योगिक विकास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के पदभार से हटा दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी समितियों के साथ चर्चा की और इस संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के कायरकुली गांव में कौशल्या और उनके समूह से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना वायरस टीकाकरण हो या जल जीवन मिशन हो। कायरकुली गाँव की कौशल्या ने पीएम मोदी से संवाद के दौरान बताया कि हमारे गांव में 18 साल से ऊपर अभी लोगों का 100% टीकाकरण हो चुका है और इसके लिए 10 कैंप भी अपने ग्राम पंचायत में लगाए गए थे। पीएम मोदी ने इसके लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आपने पानी की ताकत को समझा, गांव में बहुत बड़ी क्रांति आप लाए हैं, पलायन को भी इतिहास में पीछे छोड़ा है और पर्यटन को गांव की ताकत बना दिया है। अपने होम स्टेट पर काम किया और अब लोग पलायन की जगह पर गांव की ओर बढ़ने लगे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 102वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधान
मंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गांधी को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था, उसे भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में किसानों के क्षेत्र में काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शहीद स्थल देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य का विकास हो और इसके लिए सरकार प्रयासरत है और उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए ही वचनबद्ध है और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का शासन देश भी किया गया है। साथ ही उन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक छूटे राज्य आंदोलनकारियों का भी चिन्हीकरण कर कार्यबाजी करने का भी बात उन्होंने कही है। ने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने भी तमाम संघर्ष किया, जगह जगह लाठियां खाई, गोलियां खाई, बहुत लंबा संघर्ष किया, धूप पानी में लगातार वो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। तो उनका अभी बहुत लोगों का छूट गया है कि उनको अभी उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो चिन्हीकरण की प्रक्रिया 2017-18 में पहले ही बंद हो गई थी, उसको क्लोज कर दिया गया था। और मैंने ये भी 1 सितंबर 2021 को यह भी घोषणा करी थी कि हम जो है इसकी समय सीमा बढ़ाएंगे और उस समय सीमा बढ़ने का भी शासनादेश हो गया है जो घोषणा हमने करी है। जो हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और ठोस इसके लिए पैरवी करेंगे हम कि हर प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों की पैरवी हो। हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारी को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनके परिवार के लोगों के लिए भी। ये भी हम इसका भी शासनादेश कर रहे हैं। जो राजकीय अस्पताल है, राजकीय अस्पतालों में अभी तक हमारे आंदोलनकारियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा है, ये मेडिकल कॉलेजों में सुविधा नहीं है। हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों में भी हमारे आंदोलनकारियों के लिए निशुल्क इलाज उनका सुनिश्चित कराया जाएगा, इस क्षेत्र में भी काम करेंगे। ऐसे अभी कुछ और भी आया है जिनको अभी पेंशन के कई मामले अभी हैं, हमने कहा है कि इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में भी बहुत घोषणाएँ होती थी, 2017 से पहले वाली सरकार में हजारों की संख्या में घोषणा हुई। महात्मा गांधी की जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता ग्राम सभाओं में प्रवास कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच समय बिता रहे हैं। कांग्रेस विधायक और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार डोईवाला विधानसभा के थानों में न्याय पंचायत अंतर्गत धारकोट गांव में रात में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में गांव के बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया तो वहीं समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों के बीच बैठ कर ही भोजन किया तो वहीं उन्होंने ग्रामवासियों से कांग्रेस को मजबूती के साथ 2022 में सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि
2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और लोकायुक्त की सरकार कांग्रेस देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस को 70 साल में कुछ नहीं होने की बात कहते हैं, आज उन्हीं के बनाए हुए संस्थान को सरकार भेजने का काम कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने सरकार की तमाम नाकामियां ग्रामीणों को गिनवाई। तो बता दें, डोईवाला में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह वहां पहुंचे। ऐसे में उन्होंने ग्रामीणों के साथ रात्रिवास किया और ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के बीच उन्होंने भोजन भी किया, साथ ही वहां पर रात भी बिताई और वहां की जनता से बातचीत की और कांग्रेस को 2022 में सत्ता में लाने की जनता से अपील भी की। दो अक्टूबर का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिवस भी है और ऐतिहासिक दिवस भी है। इस दिवस को हम जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं और जो रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया उस रास्ते पर जो है कांग्रेस आगे चले, ये मुख्य जो है उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पूरे देश के कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर गांव में लोगों से संवाद स्थापित करने का काम करें, लोगों के साथ विचार विमर्श करने का काम करें और लोगों के बीच में रात्रि विश्राम करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हर न्याय पंचायत स्तर पर कांग्रेस के लोग रात्रि विश्राम करके वहां के लोगों से संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यमकेश्वर के कुनाव गांव में शराब का ठेका आवंटित हो गया है जो जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये जानकारी मिलने के बाद यमकेश्वर के ग्रामीण भड़क गए हैं। ग्रामीणों ने शराब का ठेका खुलने का विरोध किया है, साथ ही पार्क प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि यमकेश्वर क्षेत्र स्थित कुनाव गाँव के ग्रामीणों ने बैराज पुल पर एकत्रित होकर वहाँ पर प्रदर्शन किया और मौके पर भादसी जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपूरवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि पार्क क्षेत्र के अंदर शराब का ठेका खोलने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। गांव में एक स्कूल भी है, ठेका खुलने से गांव का माहौल खराब होगा। ऐसे में ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर लक्ष्मण झूला थाने की पुलिस भी पहुंच चुकी है जो ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। देखिए, यहाँ पे समस्या ये है कि आज से कम 5-10 से 20 सालों से इस क्षेत्र में जो हमारा यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 15 से 20 सड़कें ऐसी हैं जो पार्क प्रशासन की वजह से रुकी पड़ी हैं। आज वहाँ के क्षेत्र की जनता जो है अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ रही है, ना उन गाँव में सड़क है ना पानी है। ऐसी व्यवस्था के साथ पता नहीं कितने लोग जो है अपनी जान वहाँ पर गंवा चुके हैं क्योंकि उन गाँव में सड़कें नहीं है पार्क प्रशासन की वजह से। लेकिन आनंद फानंद में कल 5 घंटे के अंदर जिला प्रशासन पौड़ी के द्वारा ये शराब का ठेका यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है कुछ लोगों को, जिसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ पे सामने कुनाव गांव है जहाँ पे ये शराब, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, सामने स्कूल है और यहाँ का जो कुनाव का क्षेत्र है यहाँ पे किसी भी प्रकार का सरकारी धन आवंटित नहीं हो सकता है विकास कार्यों में, क्योंकि ये क्षेत्र पार्क प्रशासन बोलता है कि पार्क के अधीन आता है। लेकिन उसी क्षेत्र में आनंद फानंद में शराब का ठेका यहाँ पे दिया गया। दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज माननीय भुवनचंद खंडूड़ी जी का जन्मदिवस आज है और उनकी सुपुत्री इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने ये शराब का ठेका यमकेश्वर के क्षेत्र की जनता को उपहार स्वरूप दिया है। जबकि हमने जो सोचा था कि आज खंडूड़ी जी का जन्मदिन है, उनकी सुपुत्री क्षेत्र में विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, इस क्षेत्र में कोई बड़ी योजनाएं मिलती, बीन नदी का पुल हमें मिलता, बीन नदी पुल के लिए यहाँ क्षेत्र की जनता कम से कम 20-25 सालों से संघर्ष रहता है, लेकिन अभी तक बीन नदी का पुल हमें बन के नहीं मिला। गंगा दर्शन क्षेत्र में बीते दिनों घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना के बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं और गुलदार की दहशत के चलते महिलाएं चारा, पत्ती, जलावन, लकड़ी आदि लेने के लिए जंगल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे नाराज होकर महिलाओं ने श्रीनगर मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया और इस वजह से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर
पुलिस बुलानी पड़ी। प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी महिलाएं हाईवे से ही हटी। बीते 24 सितंबर को बता दें, उल्फुर्जा निवासी 44 वर्षीय सुधा देवी नाम की महिला को कुलदार ने जख्मी कर दिया था। महिला अपनी अन्य साथियों के साथ घास लेने के लिए गंगा दर्शन मोड़ क्षेत्र में गई हुई थी। तो ऐसे में पौड़ी में गुलदार की दहशत में लोग इस समय नजर आ रहे हैं। 24 सितंबर को भी एक महिला को गुलदार ने घायल कर दिया था, जिसके बाद चारा लेने के लिए महिला वहां पर गई थी। उसके बाद गुलदार ने हमला कर दिया था। महिला पूरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन वन विभाग से इसकी शिकायत भी की गई है। वन विभाग लोगों की शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क भी जाम की। ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क के जाम करने की वजह से दोनों तरफ सड़क के भारी ट्रैफिक भी जमा हो गया। ऐसे में कई घंटों तक ये ट्रैफिक जाम रहा। यहाँ पर जब हंगामा होता रहा तो पुलिस को इसकी जानकारी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझा कर जाम को खुलवा दिया। कहती है शुक्रवार को हम दोपहर को घास काटने आए, 10-12 लेडीज थी, तो हमारे साथ ये बाघ ने ये हमला किया। तो वो लेडीज हॉस्पिटल पर रखी है। हमारी यही है वन विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि वो पिंजरा लगाए और यहाँ देखभाल करें जब तक वो पकड़ा न जाए। ठीक है, आप दिक्कत क्या है, आप लोग का रोज आना जाना होता है और बाघ का भी खतरा है। पिंजरा लगाए जाए, पिंजरा लगाए जाए, जाने के बाद पकड़ा जाए, मारा दिया जाए। बोला यह हमारी इच्छा है, हमका आना जाना का वो रोज है, हम इसी पर निर्भर जंगली पर निर्भर है। हम जब दूध भेजते हैं तो अपने बच्चों को पालते हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम पिंजरा लगाएं। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। हमारा जो है 85% जो है परिवार पूरा जो है घास से चलता है, बचारा पति से चलता है, गायों से चलता है, दूध बेच के चलता है। मतलब तो अगर इनका रोज का है ये काम, तो अगर बाघ को पकड़ा नहीं गया तो दूसरी महिला के साथ ही घटना होगी। इसलिए प्रशासन से ये है कि पिंजरा तो आदेश तो आ गए है, पर लगा के जो है पकड़ा नहीं जाए। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये आक्रोश तो रहेगा ही महिलाओं में। सर, जो गाँव वालों की मांग है कि पिंजरा लगा जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, हमने ये कार्रवाई कर दी है। हमारा पिंजरा जो है पौड़ी से आने वाला है, पहुँचने वाला है बच्चों, और थोड़ा महिलाओं को हम लोगों ने समझा दिया है कि आप लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के घास में जाइए चारा पत्ती के लिए, और हमारा पिंजरा आज शाम तक लग जाएगा। बता दें पौड़ी में महिला पर गुलदार ने हमला किया, तभी से लोग काफ़ी दहशत में हैं। और ऐसे में कई बार वन विभाग से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं किया जा रहा। बीती 24 सितंबर को एक घास लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी। और उसी के बाद से तमाम गाँव की महिलाएँ अब चारा लेने जाने के लिए जंगल में डरती हैं, क्योंकि गुलदार की दहशत लगातार लोगों में बनी हुई है। जिसके बाद वन विभाग की तरफ से जब कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो गुस्साई महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया, जिसके बाद काफी घंटे तक सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक भी जमा हो गया। और इसी को देखते हुए प्रशासन को पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझा कर महिलाओं को शांत कराया और जब भी उसके बाद जाम को खुलवा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला विधानसभा गांव के दुरुस्त गांव धारकोट इंटर कॉलेज में पहुंचकर ध्वजारोहण में शामिल हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। जिला पंचायत तो जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुणा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी को देश कभी भुला नहीं सकता और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बताए मार्गों पर सभी को ही चलना चाहिए। डोईवाला में महात्मा गांधी और शास्त्री जी की
जयंती मनाई गई और ऐसे में महात्मा गांधी को देश कभी नहीं भुला सकता ये कहा गया। आपको बता दें कि ध्वजारोहण भी यहां पर किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती वहां पर मनाई गई। वहीं जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुणा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी को देश कभी भुला नहीं सकता और हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके बताए मार्गों पर सभी को चलना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।